गणेश चतुर्थी को होती है कलंक चतुर्थी। इसके पीछे का कारण हम आपको बताने वाले हैं आज कि कलंक चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन क्यों होती है और इस दिन क्यों चांद को देखना वर्जित होता है। जी हाँ, एक बड़ी कहानी है इसके पीछे की। अगर आपको मालूम नहीं है तो आज हम आपको वो कहानी बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण पर भी श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी झूठा कलंक लगाया गया था। और झूठा कलंक क्यों लगाया गया था? क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी पर चांद के दर्शन किए थे। इसके पीछे की एक कहानी बताई जाती है, वो कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री गणेश को जब हाथी का सिर लगाया गया था, उस समय चंद्रमा ने जब उन्हें देखा और उनका उपहास यानी कि मजाक उड़ाया था, मजाक उड़ाने के बाद जब गणेश नाराज हुए, उन्होंने गणेश जी ने पलट करके उन्हें श्राप दिया। श्राप देने के बाद उन्होंने कहा कि अब आपका जो उजाला है वो अंधेरे में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जब चंद्रमा को ये समझ में आया कि उनके ऊपर अंधेरा छाने वाला है, तो उन्होंने माफ़ी मांगी श्री गणेश से। श्री गणेश ने उन्हें माफ़ करते हुए ये कहा कि आगामी समय में आप सूर्य के उजाले से धीरे धीरे प्रकाशमयी होंगे और धीरे धीरे आप प्रकाश को पूर्ण प्राप्त करेंगे। तो ये जब कहानी हुई, लेकिन इस बीच भगवान श्री गणेश ने ये भी कहा कि आज के दिन को छोड़ करके, आज का दिन आपकी सजा के तौर पर, आपको जो दंड दिया गया है उसके तौर पर जाना जाएगा। तो यही वो दिन था जो गणेश चतुर्थी कहलाता है। गणेश चतुर्थी का दिन कलंक चतुर्थी कहलाता है। तो इस बात को ध्यान रखें और गणेश चतुर्थी को चांद को देखने से बचें।